मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आप लोगों की आवाज को? यहां से हैदराबाद केसीआर तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, केसीआर को बदलकर मोदी सरकार बनाने की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्रीमान किशन रेड्डी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद श्री बंडी संजय कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री इटेला राजेंद्र जी, हमारे महासचिव और यहां के प्रभारी श्रीमान तरुण चूग जी, यहां के सांसद श्री स्वयं बापूराव जी, श्री हंसराज आहिर जी, डॉक्टर जी विवेक वेंकट स्वामी जी। वेंकट स्वामी खड़े हो जाओ, कहां हो भाई, ताली बजाओ वेंकट स्वामी के लिए। श्री जी पेमेंदर जी, श्री एंडलर लक्ष्मी नारायण जी, श्री रमेश राठौर जी, श्री डी रविंद्र नायक जी, और आज अहमदाबाद की पवित्र भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। इस भूमि पर सबसे पहले बासर में स्थित सरस्वती मां, नागोबा के भगवान शेषनाथ और जयनाथ में स्थित लक्ष्मी नारायण के मंदिर को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब हम बहुत छोटे थे गुजरात में, तब कुमाराम भीम का नाम सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। यही भूमि के कुमाराम भीम जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, श्री कुमाराम जी को प्रणाम करकर श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, यही वीर भूमि है जो दो दो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। पूरे देश में स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, मगर ये भूमि अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ी और निजाम के रजाकारों के खिलाफ भी लड़ी। ये वीर भूमि को मैं प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, कल ही चुनाव आयोग ने तेलंगाना का चुनाव घोषित कर दिया है। मुझे बताओ, आप लोग केसीआर की सरकार को फिर से लाना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहते हो क्या? मोदी जी के नेतृत्व में कमल की सरकार लाना चाहते हो क्या? आप सभी का जवाब है कि 3 दिसंबर को मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और मैं आपको वादा कर जाता हूं, अभी मोदी जी ने हैदराबाद में तेलंगाना विमोचन दिन पर झंडा फहराने का चालू किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है
तो 17 सितंबर को हर जिले में हैदराबाद विमोचन दिन मनाया जाएगा।